तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट वेदांत एंड आप सब लोग देख रहे हैं हमारे चैनल की एक और नई वीडियो। सो गाइस, आज हमारे सामने है हमारी बजाज की तरफ से प्लैटिना एंड ये हमारा 110 सीसी का मॉडल होने वाला है। एंड आज की इस वीडियो में हम इसके रिलेटेड जितने भी स्पेसिफिकेशन है, फीचर्स, प्राइस, डाउन पेमेंट, ईएमआई, एंड आज की इस वीडियो में हम सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। गाइस, ये हमारी बजाज की तरफ से प्लैटिना है एंड इसमें हमको टोटल 3 कलर ऑप्शन जो है प्रोवाइड हो जाते हैं। सामने हमको मिलता है यार हमारा मैट ब्लू कलर हमको मिलने वाला है। सो जो हमको 2 कलर ऑप्शन और मिलते हैं वो मिलते हैं हमको चारकोल ब्लैक, जो कि हमारा फुल मैट ब्लैक में होने वाला है, एंड एक हमको मिलता है रेड कलर जो कि कंप्लीट हमको मैट में ही प्रोवाइड होने वाला है। सो गाइस, सबसे पहले हम फ्रंट से बात कर लेते हैं। सो गाइस, फ्रंट से सबसे पहले हम अपने टायर के बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमको एक न्यू अपडेट आया है हमारी बजाज में, एंड यहाँ पे जो आप अलॉयज दिख रहे हो ये हमको हमारी नए वाली बजाज में आए हैं। एंड यहाँ पे जो हमको टायर मिलने वाला है वो हमको मिलने वाला है ट्यूबलेस गाइस। एंड इसकी डायमेंशंस की बात कर ले सो वो होने वाला है हमारा 80x100, एंड हमको यहाँ पे 17 इंच का टायर जो है प्रोवाइड हो जाएगा। एंड गाइस, इस बाइक में हमको फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पे हमको डिस्क प्रोवाइड हो जाती है, लेकिन बैक में हमें सिर्फ ड्रम ही प्रोवाइड होगी। एंड यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे हमको ABS प्रोवाइड नहीं होने वाला। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ एंटी स्किड ब्रेकिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये जो हमारी बजाज की तरफ से ब्रेकिंग है, ये हमारी जो मोस्ट ऑफ द बजाज की बाइक्स में इंक्लूड होती है, वो वाली ब्रेकिंग हमको इस वाली बाइक में जो है प्रोवाइड होने वाली है। एंड इसमें जो है हमको हमारी ABS इसमें हमको प्रोवाइड नहीं होने वाला। हल्का सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमको फाइबर की क्वालिटी में काफ़ी अच्छा हमको यहाँ पे मडगार्ड मिलने वाला है, जिसकी क्वालिटी इज़ वेरी फाइन, वेरी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे हमको प्रोवाइड हो जाती है। यहाँ पे जो है हमको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमारे प्रोवाइड हो जाएंगे। हल्का सा और ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमको प्लैटिना में मिलता है हमारा हेडलाइट्स मिलने वाली है, एंड ऊपर के साइड जो है हमको हमारी DRLs भी प्रोवाइड होंगी। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। सो ये आप देख सकते हो, ये हमको इसमें ऑप्शन मिलता है, या तो हम सिर्फ अपनी DRL ऑन कर ले एंड या हम अपनी सिर्फ लाइट को भी ऑन कर सकते हैं। स्विच में एक बार उसको आपको दिखा देता हूँ। सो देखो, अगर हम अपनी लाइट को ऑन करते हैं तो हमारी DRLs की जो लाइट है वो थोड़ी डिम हो जाती है एंड अपनी लाइट जो है ऑन हो जाएगी। एंड वही अगर हम चाहे तो सिर्फ अपनी DRLs को भी ऑन कर सकते हैं। सो ये मतलब काफ़ी अच्छा फीचर आता है हमारी बजाज की प्लैटिना में। एंड DRLs की जो क्वालिटी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, बिल्कुल हमको ब्रॉड सी यहाँ पे LEDs जो प्रोवाइड हो जाती हैं। एंड लाइट की बात कर लेते हैं गाइस, तो यहाँ पे जो हमको हमारी बल्ब भी मिलने वाला है, जिसमें हमको ऑरेंज लाइट हमारे प्रोड्यूस होने वाली है। इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं तो इंडिकेटर्स भी हमको हमारे बल्ब में ही प्रोवाइड होंगे। एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। सो इंडिकेटर देख लो गाइस, इंडिकेटर जो है काफ़ी अच्छे हमको लुक दे रहे हैं, साथ में बाइक को देख लो। सो गाइस, थोड़ी ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमको हमारा ब्लैक कलर में वाइजर भी प्रोवाइड होने वाला है। एंड आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो आप नकल गार्ड्स देख रहे हो, ये हमारा कंपनी से ही जेन्युइन एक्सेसरीज के तौर पर इस बाइक पर लगा हुआ है, ये हमको हमारी कंपनी से न्यू बाइक में प्रोवाइड नहीं होने वाला। सो अब हम बात करते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो गाइस, हमको काफ़ी सिंपल सा मिलने वाला है, एंड जो अपना हैंडल होने वाला है हमको शॉर्ट साइज़ का मिलने वाला है, काफ़ी वाइड आपको नहीं मिलेगा। एक बार हम ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमको फुल 120 तक की मैक्सिमम स्पीड हमको प्रोवाइड होने वाली है। यहाँ पे और भी हमको ऑप्शंस प्रोवाइड होने वाले हैं, यहाँ पे जैसे न्यूट्रल का हो गया, टाइमिंग का हो गया, फ्यूल का, एंड यहाँ पर हमारी ट्रिप का प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो है हमको मतलब कोई बटन नहीं मिलता चेंज करने को, लेकिन एक ही बटन मिलता है जो कि मतलब काफ़ी हार्ड है, देख सकते हो ये बटन से ही एक ही हमको यहाँ बटन प्रोवाइड होता है हमारी ट्रिप को चेंज करने के लिए। एंड कीज देख लो गाइस, हम कीज़ को यहाँ पे हमको मिलती है ऐसी टाइप की, एंड यहाँ पे हमको एक बजाज का जो लोगो भी प्रोवाइड होने वाला है। सो अब हम बटन्स की बात कर लेते हैं। सो इस साइड हमको मिलता है हमारे हाई बीम लो बीम का, एंड इस तरफ हमको जो हमारे पास का स्विच प्रोवाइड हो जाएगा। हल्की से नीचे आते हैं, यहाँ पे हमको हमारे इंडिकेटर्स का बटन मिल जाएगा, एंड नीचे हमको मिलेगा ऑन का बटन। दूसरी साइड बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है हमको हमारे लाइट्स का ऑन ऑफ का मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले बता दिया था, एंड नीचे हमको मिलता है हमारे पावर स्टार्ट स्टॉप का। सो गाइस, अब नीचे आके अपने टैंक की तरफ बात कर लेते हैं। सो टैंक देख लो, मतलब हमको बिल्कुल स्लिम टैंक लुक में हमको प्रोवाइड होने वाला है। एंड हमको जो टैंक मिलेगा वो मिलेगा हमारा 11 लीटर का टैंक मिलेगा, एंड 2 लीटर हमको रिजर्व भी प्रोवाइड होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमको टैंक गार्ड भी प्रोवाइड होता है, जो कि हमको कंपनी से ही प्रोवाइड होने वाला है, एंड ये ऐसी काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमको प्लैटिना की जो स्टिकरिंग प्रोवाइड होने वाली है हमारे मैट कलर के ऊपर। एंड बाइक में मतलब काफ़ी सारे ग्राफिक्स का यूज़ भी किया गया है, बीच बीच में हमको वाइट इंसर्ट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं अपने बाइक के इंजन के बारे में। सो इंजन आप सभी लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमको फुल मैट ब्लैक में प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन बीच बीच में ग्लॉस इंसर्ट्स एंड क्रोम इंसर्ट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमको DTSI की बैचिंग भी प्रोवाइड होने वाली है।
सो गाइस अब बात कर लें अपने इंजन की स्पेसिफिकेशंस की। सो 115/45 का सीसी का इंजन इसमें हमको प्रोवाइड होने वाला है। एंड पावर की बात करते हैं तो 8.6 पीएस की पावर इसमें हमको प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही में इसमें हमको मिलने वाला है 9.81 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड इसमें हमको किक स्टार्ट एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों जो है प्रोवाइड होने वाला है। यहाँ पे हमको सेल्फ स्टार्ट का बटन प्रोवाइड हो जाता है एंड इस साइड हमको किक का मिल जाएगा। एंड गाइस इस वाली बाइक में हमको सिर्फ सिंगल हॉर्न ही प्रोवाइड होने वाला है। सो ये देख लो यहाँ पे हमको मिलता है हमारा एग्जॉस्ट जिसके साथ हमको क्रोम इंसर्ट्स प्रोवाइड होने वाले हैं। सो एक बार मैं आपको इसका एग्जॉस्ट नोट जो है वो साउंड जो है आपको एक बार इसकी सुना देता हूँ। सो गाइस आपको इसका एग्जॉस्ट नोट तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा होगा। काफ़ी इसमें हमको इसमें मतलब क्रिस्प टाइप नहीं मिलता हमको इन बाइकों में, लेकिन फिर भी एक सिंपल टाइप है, काफ़ी अच्छा इसमें प्रोवाइड हो जाता है। अब गाइस अब बात करते हैं अपने सीट के बारे में। सो सीट जो है इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। एंड बजाज क्लेम करता है कि मतलब अपनी पूरी बजाज सीरीज में प्लैटिना इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक। एंड सीट जो देखते हो हमको फुल मतलब लेदर में मिलने वाली है एंड ब्लैक कलर में हमको ये प्रोवाइड होएगी। इस साइड जो है हमको हमारे कम्फर्ट की बैजिंग भी प्रोवाइड होने वाली है। एंड बजाज करते हैं कि मतलब हमारी सीट जो है मतलब मोस्ट कंफर्टेबल है पूरी बजाज की उसमें। एंड पर्सनली मुझे मतलब काफ़ी कंफर्टेबल इनकी सीट प्रोवाइड हो रही है। इस साइड देख सकते हो तो यहाँ पे जो है हमको हमारे वाइट इंसर्ट्स प्रोवाइड होने वाले हैं पूरी बाइक में। एंड यहाँ पे हमको एक लोगो मिलता है हमारा 110 कम्फर्टेक का भी। सो शॉकर की बात कर लेते हैं। सो गाइस इसमें हमको दोनों साइड जो है हमारा नाइट्रोजन शॉकर प्रोवाइड हो जाता है जिसकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी मतलब अच्छी हमको प्रोवाइड हो जाती है। एंड इस साइड दूसरी साइड पर आप अपना शॉकर की एक बार लुक देख लो, दोनों से हमको काफ़ी अच्छी टाइप लुक मिल रही है हमारी बाइक को। गाइस पीछे की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमको एक ग्रैब हैंडल प्रोवाइड हो जाता है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा वाइट नहीं है, सिंपल साइज को रखा हुआ, छोटा सा रखा हुआ है। एंड यहाँ पे जो है हमको हमारे बल्ब में टेल लाइट मिलने वाली है। एंड एक बार मैं आपको ये ऑन करके भी दिखा दूंगा। एंड यहाँ पे भी हमको हमारे बल्ब में इंडिकेटर जो है प्रोवाइड हो जाते हैं। एक बार मैं हमारी लाइट को आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। सो गाइस ये हमने जो हमारी टेल लाइट को ऑन कर लिया है एंड देख रहे हो मतलब अच्छा रिस्पॉन्स इसका आ रहा है, लुक जो है बाइक की काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो रही है हमारी टेल लाइट से, काफ़ी अच्छी लुक दे रही है हमारी पूरी बाइक को। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमको एक रिफ्लेक्टर प्रोवाइड हो जाएगा एंड नीचे हमको मिलते हैं हमारे नंबर प्लेट की पोजीशनिंग के लिए स्पेस। सो गाइस पीछे के टायर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमको जेके टायर का टायर्स प्रोवाइड होने वाला है। एंड इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो 80x117 इंच का यहाँ पे हमको टायर प्रोवाइड होने वाला है। एंड अलॉयज देख लो गाइस काफ़ी अच्छे इसमें हमको मिल रहे हैं, मतलब फुल वाइट कलर में हमको जो है प्रोवाइड होने वाले हैं। एंड ये वाला टायर भी जो है हमारा ट्यूबलेस ही प्रोवाइड होने वाला है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने बाइक के प्राइस के बारे में। तो गाइस अब आपको इसके प्राइस के बारे में बता दूँ, सो जो इसका एक्सशोरूम प्राइस होने वाला है वो होने वाला है हमारा 67,904 का। एंड ऑन रोड की बात कर ले तो भाई ऑन रोड हमारा अप्रॉक्स होगा 81,500 के अप्रॉक्स जो है हमारा होने वाला है। एंड गाइस शोरूम की डिटेल्स की बात कर ले तो मैं स्वदेशी बजाज पे आया हूँ। एंड शोरूम का जो भी एड्रेस होगा वो आपको एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार शोरूम में ज़रूर विजिट कर लेना। गाइस अब बात करें हमने बाइक के माइलेज के बारे में। सो जो बजाज क्लेम करती है हमारी जो इस वाली बाइक की माइलेज होगी वो होगी अराउंड 95 की, लेकिन दिल्ली के रोड्स में मतलब अराउंड जाती है 75 की 80 के अराउंड आपको इजीली जो है इस वाली बाइक में एवरेज प्रोवाइड हो जाएगी। सो गाइस अब हम बात करते हैं अपने बाइक के अपने डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई के बारे में। सो ये हमारे गौतम भैया एंड हमको हमारे ईएमआई के बारे में जितनी भी डिटेल्स आपको सब एकदम अच्छे से बता देंगे। नमस्कार, मैं गौतम L&T फाइनेंस से। आपकी ईएमआई मिनिमम डाउन पेमेंट से स्टार्ट हो जाती है, अगर आप 10,000 से 15,000 के बीच में भी गाड़ी ले जा सकते हैं। और अगर 15,000 डाउन पेमेंट करते हैं तो आपकी ईएमआई जो 12 महीने की बनती है वो आपकी बनती है 6,500 के तकरीबन। ओके, सो भैया मतलब एक साल के अराउंड हम 10,000 के अप्रॉक्स दे के 6,500 के अप्रॉक्स जो है अपनी बाइक को घर ले जा सकते हैं। हाँ ठीक है। एंड भैया अभी 2 ईयर्स की क्या बनेगी? अगर 2 साल की आप बनवाना चाहते हैं तो समथिंग आपकी 3,685 रुपये या समथिंग 3,600 के आसपास 2 साल की ईएमआई बनती है 15,000 डाउन पेमेंट के आसपास। ओके। एंड भैया मतलब हमारा 2.5 ईयर्स या 3 ईयर्स के अराउंड का हो तो फिर? अगर आप 2.5 साल की बनवाना चाहते हैं तो उसके 15,000 डाउन पेमेंट पे आपको लगभग 3,000 के आसपास ईएमआई बनती है 30 महीने की 2.5 साल के लिए। और उससे ऊपर आप जितना जाएंगे तो ईएमआई कम होती जाती है और इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा जाता है। अच्छा, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर। 36 महीने की भी किस्तें बनती हैं और 48 महीने की भी किस्तें बनती हैं। 48 महीने में किस्तें आपकी लगभग 2100-2200 रुपये के आसपास आ जाएंगी किस्तें। ओके।
सो फ्रेंड्स, हमारे गौतम भैया ने हमारे ईएमआई एंड डाउन पेमेंट के बारे में सब बता दिया। एक बार भी आप हमारे क्रेडिट स्कोर के बारे में बता दो, मतलब क्रेडिट स्कोर कितना चाहिए होगा हमको? कम से कम सिविल स्कोर 700 से ऊपर चाहिए होता है। ओके। और डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर सिविल कैसा है, और 700 कम से कम चाहिए होता है, बाकी ऊपर गुड है। और अगर कस्टमर नेट बैंकिंग यूज़ करता है तो हमारे यहाँ रेट जो आता है 8.5 का रेट आता है, और अगर कस्टमर विदाउट नेट बैंकिंग या इनकम में कुछ नहीं देता तो 10.99 से शुरू है रेट, 14% तक जाता है समथिंग। ओके। सो मतलब भैया अपना 8 से 9,000 के अप्रॉक्स, मतलब अगर कोई बंदा स्पेंड करता है तो मतलब अपनी बाइक को घर ले जा सकता है। हाँ जी। ओके। सो गाइस, गौतम भी अपनी सारी डिटेल्स दे दी हमारे ईएमआई डाउन पेमेंट के बारे में एंड क्रेडिट स्कोर के बारे में। सो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूं हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। सो गाइस, ये हमारे भैया, एक बार भैया आप भी हमारे व्यूअर्स को बाय बोल दो। बाय। सो गाइस, मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।